हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने शो किया था कि रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। हम लोग ने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। वहां पर हम लोग ने देखा था कि रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर है तो उसे कैसे हम लोग इरेशनल नंबर शो कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पर रूट के अंदर कोई भी नॉन प्राइम नंबर है, जैसे रूट का 6, रूट का 10, रूट का 15, रूट का 14, इस तरीके के कोई नंबर्स हैं जिनकी में रूट के अंदर कोई भी नॉन प्राइम नंबर है। सो हाउ टू वी कैन शो देम प्राइम नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर ना, तो इनको करने का भी अपना एक पैटर्न है। तो हम लोग ने एग्जांपल लिया है रूट 15। आप इस तरीके से इनमें से कोई भी कर सकते हैं। आप जानते हो कि नॉन प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। तो आइए दिखाते हैं कि रूट 15 जो हमारा है वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। प्रूफ करने का सेम तरीका है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि हमें जो रिजल्ट प्रूफ करना है, जैसे हमारे पास फिर वही बात, दो मार्कर्स हैं ब्लू और ब्लैक। हमें प्रूफ करना है कि ये ब्लू मार्कर है, तो हम सपोज करेंगे कि ये कैसा है, ब्लैक, और फिर इसमें ब्लैक मार्कर्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, रिजल्ट्स कुछ उल्टा सीधा ले आएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये ब्लैक नहीं है। और अगर ब्लैक नहीं है तो हमारे पास दो ही तरीके के मार्कर थे, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू। तो वैसे ही हमारे पास दो तरीके के रियल नंबर्स होते हैं, या तो वो रैशनल होते हैं और या तो इरैशनल। हमें शो करना है कि रूट 15 इज एन इरैशनल नंबर। तो हम सपोज क्या करके चलेंगे, प्रूफ यहां से स्टार्ट होगा। वी एज्यूम दैट रूट ऑफ 15 इज अ रैशनल नंबर। इस तरीके से आप कोई भी कर सकते हो, इज अ रैशनल नंबर। रूट 15 रैशनल नंबर होगा तो मतलब रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई। रैशनल नंबर की सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर रूट 15 को रैशनल बनना है तो इट कैन बी एक्सप्रेस इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। अगर इसको आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो तो फिर क्या चीज होती है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में अगर आप इसको लिख सकते हो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड पी एंड क्यू हैज नो कॉमन डिवीजर। ओके, हमें पता है कि कोई भी रैशनल नंबर है तो वो अपॉन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं। और हर एक रैशनल नंबर का एक ऐसा एक्सप्रेशन जरूर पॉसिबल होता है जहाँ पर पी और क्यू हैव नो कॉमन डिवीजर, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैज नो कॉमन डिवीजर, जिसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। तो हमने वही सपोज किया है कि हमारे पास रूट 15 रैशनल नंबर है तो उसका एक पी अपॉन क्यू फॉर्म ऐसा होगा जहाँ पर पी एंड क्यू हैज नो कॉमन डिवीजर। इतना हमारा एजम्पशन है। ये हमारे एजम्पशन, अगर हमारा एजम्पशन ट्रू है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई हुई तो इसका मतलब फिर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। और अगर रॉन्ग है, और हमें रॉन्ग ही करना है क्योंकि एजम्पशन है रैशनल, हमें दिखाना है इरैशनल, ठीक है। और हम लोग वही प्रॉपर्टी ही इंप्लीमेंट करते हैं जो रॉन्ग प्रूफ हो सकती है। तो हमने क्या सपोज किया कि रूट 15 राइट रिटेन इन द पी अपॉन क्यू फॉर्म, वेयर पी, क्योंकि ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी ही होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने सपोज की है, पी एंड क्यू हैज नो कॉमन डिवीजर। किसी भी रैशनल नंबर के बहुत सारे पॉसिबल एक्सप्रेशंस होते हैं, मतलब आप जैसे 3/2 है तो उसको आप 6/4 भी लिख सकते हो, आप उसको 12/8 भी लिख सकते हो। बट हमने कौन सा सपोज किया, जो सिंपलेस्ट है, जहां पर पी और क्यू हैज नो कॉमन डिवीजर, ठीक है। तो और देखिए, इसी रिजल्ट को आगे बढ़ाते हैं। ऑन स्क्वायरिंग फर्स्ट वी गेट, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। देखिए यहां पर बस यहीं पर थोड़ा सा चेंज आता है, ध्यान दीजिएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। दिस इंप्लाइज पी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक। अच्छा, वहां पर हम लोग क्या करते थे कि डायरेक्ट जैसे यहां 3 आया तो वो प्राइम नंबर होता था, तो हम लोग डायरेक्ट क्या कह देते थे कि 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर। यहां पर 15 आया तो हम डायरेक्ट क्या कह देते, और यहां भी कह सकते हैं 15 डिवाइड्स पी स्क्वायर। लेकिन हमें पता है कि अगर कोई पावर लगी है, हमें पी के बारे में रिजल्ट चाहिए, पी की कोई पावर लगी है तो उसको कोई प्राइम नंबर डिवाइड्स करे तो हम आगे रिजल्ट पा सकते हैं। बट अगर कोई नॉन प्राइम, चूंकि 15 प्राइम तो है नहीं, तो अगर कोई नॉन प्राइम नंबर डिवाइड करे तो हमें कोई रिजल्ट आगे नहीं मिलता है,
बात समझ आई ना। तो इसलिए हम लोग को यहां से कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। मैंने क्या कहा कि पी स्क्वायर इक्वल टू एनी प्राइम नंबर यहां होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में मिला था, तब तो हम डायरेक्ट यहां से कंक्लूजन लेते। बट यहां पर नॉन प्राइम नंबर है और नॉन प्राइम नंबर से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मीनिंगलेस होगा, उससे हम आगे कोई भी ऑपरेशंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हम इसको लिखते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 5 क्यू स्क्वायर। आपका मन करे तो आप 5 × 3 क्यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये रिजल्ट, अब देखिए 3 हमारा प्राइम नंबर मिल गया, आप 5 को भी इधर कर सकते हो क्योंकि 5 भी प्राइम नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, अब यहां पर बात क्या आ गई है, बात ये आ गई है कि p स्क्वायर का फैक्टराइजेशन हो रहा है, q हमारा इंटीजर था, q स्क्वायर भी इंटीजर होगा क्योंकि किसी भी इंटीजर 2, 3 किसी का भी स्क्वायर करो 4, 9, 16 इंटीजर ही आता है, q स्क्वायर भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर, तो ये पूरा एक्सप्रेशन इंटीजर होगा। तो p स्क्वायर इक्वल टू 3 × इंटीजर, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर के फैक्टर में 3 आ रहा है ना, 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर। लास्ट वीडियो में हम लोग ने सीखा था कि कोई प्राइम नंबर किसी नंबर की कोई भी पावर को डिवाइड करता है, जैसे 3 पी की पावर 2 को डिवाइड करता है तो 3 पी को भी डिवाइड करेगा। इसे सेकंड एक्सप्रेशन मान लीजिए और इसे थर्ड, सिंपल चीज है, 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 3 प्राइम नंबर है, तो अगर वो पी की किसी पावर को डिवाइड कर रहा है तो 3 पी को भी डिवाइड करेगा, सिंपल चीज है। अगर कोई प्राइम नंबर है जैसे 2 है, वो 10 की पावर 10 को डिवाइड कर रहा है तो वो 10 को भी डिवाइड करेगा। वैसे ही अगर 3 पी की पावर 2 को डिवाइड कर रहा है और 3 प्राइम नंबर है तो 3 पी को भी डिवाइड करेगा, क्यों, बिकॉज 3 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ठीक। अब हम एक चीज जानते हैं कि अगर 3 जो है p को डिवाइड करता है तो मतलब p का फैक्टर करने पे 3 जरूर आएगा, p को 3 डिवाइड करता है तो p का फैक्टर करने पे 3 जरूर आएगा। सो फ्रॉम थर्ड वी सपोज P इज इक्वल टू 3K। थर्ड रिजल्ट कहता है कि 3 जो है P को डिवाइड करता है तो P के फैक्टर में 3 जरूर आएगा। तो हमने सपोज क्या कर लिया कि P इज इक्वल टू 3 × K, जहां पर K भी क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, वेयर K इज एनी इंटीजर। ठीक, अब ये वैल्यू हम लोग सेकेंड एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं फ्रॉम 2। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, पी स्क्वायर, तो पी की जगह पे 3K रखना है, तो मतलब 3K स्क्वायर इक्वल टू 15 क्यू स्क्वायर। ये देखिए, ये सेकेंड था, पी की जगह पे 3K रख दिया तो 3K का स्क्वायर इक्वल टू 15 क्यू स्क्वायर, 9K स्क्वायर इक्वल टू 15 क्यू स्क्वायर। ठीक, अब इधर देखिए, इस जगह पे थोड़ा सा रिजल्ट को होल्ड ऑन करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसको इधर बुलाइए, क्यू स्क्वायर कहाँ गया, यस, यहाँ पर जो कट रहे हो उसको काट लो। तो इसको लिख सकते हो 3 × 3 × k² इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए 9 का, 15 का भी कर लीजिए 3 × 5 × q². सो 3 इज कैंसल विद 3। अब बहुत बढ़िया चीज़ आई है और यही चीज़ मेन समझाने लायक है, 3k² इज इक्वल टू 5 q². ठीक है, इस एक्सप्रेशन को आप देखिए, एक चीज आप बहुत अच्छे से जान लीजिए, एक चीज क्या आप बहुत अच्छे से जान लीजिए, जैसे कोई भी नंबर है हमने उसके फैक्टर कर दिए, कोई भी नंबर है हमने उसके फैक्टर कर दिए, जैसे 24 है, कौन है 24, इसका हमने एक फैक्टर लिख लिया 3 × 8, बात समझ आई, इसको हमने क्या लिख लिया 3 × 8 एक फैक्टर कर लिया। हमें पता है 2 जो है 24 को डिवाइड करता है, हमको पता है कि 2 क्या है 24 को डिवाइड करता है, सबको पता है, हमें ये क्या पता होना 2 24 को डिवाइड करता है। अब हमने इसका एक फैक्टर लिखा है 3 × 8, तो एक थ्योरी होती है, एक थ्योरी ये कहती है
कि अगर 224 को डिवाइड करता है, 24 का आपने कोई एक फैक्टर किया है, इस फैक्टर में दो टर्म है, तो 2 इन दोनों में से कम एक नंबर को जरूर डिवाइड करेगा। फिर से एक बार, अगर 224 को डिवाइड करता है, 24 का कोई हम फैक्टर लिखते हैं, तो इन दोनों में से फैक्टर में नंबर ही आएंगे, एक नंबर को कम से कम एक नंबर को 2 जरूर डिवाइड करेगा। जैसे यहां 3 और 8 है, तो देखिए 2 इनमें से किसी ना किसी एक को जरूर डिवाइड कर रहा होगा, 3 को नहीं कर रहा है, तो 8 को पक्का ही करेगा। तो देख लीजिए 8 को कर रहा है ना 2। वैसे ही 24 को हमें पता है 3 डिवाइड करता है, कौन करता है, 3 डिवाइड करता है, हमने इसको लिखा 12 into 2। अब ये दोनों में से किसी ना किसी एक को 3 जरूर डिवाइड करेगा, कम से कम एक को तो जरूर डिवाइड करेगा, दोनों को भी कर सकता है। तो अब देखिए 3 2 को नहीं डिवाइड करता है, तो फिर किसी की सुनने की जरूरत ही नहीं है, 3 मस्ट बी डिवाइड्स 12। और आप देख लो वही हो भी रहा है, 24 को आप लिख लो 2 into 12, इसको 2 डिवाइड करता है, तो आप खुद देखो 2 जो है दोनों को डिवाइड करेगा, 12 को भी 2 को भी। तो कोई भी नंबर अगर आपके मेन नंबर को डिवाइड कर रहा है, मेन नंबर के आपने फैक्टर किए, तो उन फैक्टर्स में से किसी एक ना एक को आपका नंबर जरूर डिवाइड करेगा। अच्छा, यहाँ पर आप 5q² को एक नंबर मान लीजिए, है ना, तो 5q² का हम फैक्टर कर रहे हैं, तो देखो 3 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि k प्राइम इंटीजर है, तो k स्क्वायर भी इंटीजर होगा। तो देखो 5q², इसको पूरा एक नंबर लेके चलो, तो इसके फैक्टर में देखिए 3 आ रहा है कि नहीं, 3 आ रहा है ना, तो इसका क्या मतलब हो गया कि 3 डिवाइड्स 5q², 3 डिवाइड्स 5q². अभी की हमारी थ्योरी क्या कह रही है कि ये एक नंबर है 5q², एक नंबर है 5q², इसका हमने फैक्टर कर लिया 5 into q², इस पूरे नंबर को 3 डिवाइड्स करता है, इस पूरे नंबर को कौन डिवाइड करता है, 3, पूरे नंबर को कौन डिवाइड करता है, 3। तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर हैं 5 और q², इनमें से किसी ना किसी एक को 3 जरूर डिवाइड करेगा, या तो 5 को करे और या तो q² को। अब आप जानते हो कि 5 को 3 नहीं डिवाइड करता, तो q² को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, q² को 3 जरूर ही डिवाइड करेगा। क्यों, फिर से एक बार, 3 डिवाइड्स 5q², ये हमारा एक नंबर है, इसके फैक्टर किए 5 into q², 3 डिवाइड्स 5q², ठीक। अगर 3 इस नंबर को डिवाइड करता है, तो इनके फैक्टर्स में से किसी ना किसी एक को जरूर डिवाइड करेगा। अब इसके दो फैक्टर, एक 5 एक q², 5 को 3 डिवाइड नहीं करता, ये हम जानते हैं, तो इसका मतलब कि q² को 3 जरूर डिवाइड्स करेगा। दिस विल इंप्लाई 3 डिवाइड्स q², फिर वही बात, 3 प्राइम है क्योंकि किसी पावर को डिवाइड कर रहा है, दिस विल इंप्लाई 3 डिवाइड्स क्यू, रिजल्ट 4, ठीक। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, अगर ये आपको समझ आ गई बहुत अच्छी बात है, फिर आप अपने मन से ट्राई कीजिएगा रूट 14 कर लीजिएगा, या फिर रूट 21 कर लीजिएगा, तो इस तरह से कई नंबर्स आप अपने मन से ट्राई कीजिएगा। मेथड क्या है, पहले तो यहां तक तो सेम चलता है, फिर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं सेम चलता है, यहां पर जो ये नंबर होता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, एक प्राइम नंबर को बाहर रखते हैं, बाकी सबको अंदर रखते हैं, फिर उसी से पूरी थ्योरी ऐसे ही आपको बनानी है। प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक। 3 डिवाइड्स क्यू, स्टेटमेंट 3 क्या कहता है, 3 डिवाइड्स पी, स्टेटमेंट 4 क्या कहता है, 3 डिवाइड्स क्यू। हमारा एजम्पशन था कि √15 इज रैशनल नंबर, एजम्पशन की प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी को थोड़ा हाईलाइट कीजिए, पी एंड क्यू हैज नो कॉमन डिवीजर, जबकि स्टेटमेंट 3 और 4 क्या कहते हैं कि पी को 3 डिवाइड करता है, क्यू को 3 डिवाइड करता है, मतलब पी एंड क्यू हैज अ कॉमन डिवीजर विच इज द 3, दैट इज स्टेटमेंट 3 एंड 4 कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। 3 एंड 4 क्या कहते हैं कि दोनों के पास 3 एक कॉमन डिवीजर है, जबकि हमारा एजम्पशन क्या हैज नो कॉमन डिवीजर, विच मींस आवर एजम्पशन इज
रॉन्ग, इसका मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। हमारा एजम्पशन क्या था कि रूट 15 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये मार्कर ब्लैक नहीं है तो हमें पता है कि दूसरा हमारे हाथ में सिर्फ ब्लू ही मार्कर है, तो मतलब ब्लू ही होगा। तो अगर ये एजम्पशन रॉन्ग है कि ये रैशनल है, तो मतलब रूट 15 इज एन इरैशनल नंबर। ये मेथड है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।